हमारे साथ हीरालाल जी, जो बाद में डॉक्टर साहब हीरालाल जी सिरमाली जी के नाम से पहचाने जाते हैं। मेरा जन्म साधारण गरीब परिवार में हुआ। चौथी स्कूल तक पढ़ा, स्कूल बंद हो गया जी। तो गांधी और विनोबा का प्रभाव एक व्यक्ति पर है, उसका नमूना दे रहा हूँ कि हमने समनिष्ठता उनसे सीखी। बचपन में ही पढ़ रहे थे, विनोबा के साथ भी कुछ समय रहे, इसलिए हम लोग ये सीखे उनसे। तो कर्तव्य करना, समनिष्ठ जीवन जीने का काम किया। चौथी पास होते ही मैं एक अमीन के पास 10 रुपए का चेयरमैन बना, लेकिन घर पे बैठा नहीं रहा। छठी के बाद फिर आठवीं तक का हुआ, आठवीं के बाद स्कूल नहीं, तो फिर मैं पुलिस में सिपाही रहा, उड़ीसा में चपरासी रहा, फिर पंचायत का लाइब्रेरियन रहा, लेकिन काम करता रहा, विश्राम नहीं लिया कि मैं बैठा बैठा ऐसे आलसी रह जाऊं। तो उनके प्रभाव से फिर आगे जो बात हुआ वो हो गया। लेकिन श्रम के प्रति निष्ठावान होना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो काम करता रहे, काम करता रहे, तो जिंदगी सफल होगी। बहुत अच्छी प्रेरणा है। होता ये है कि हम एक मछली को बनने के बाद तालाब के पानी को गंदा बनाने वाला तालाब कह देते हैं कि गंदा बन गया। अच्छी मछली एक बनी, हजारों मछलियां अंदर हैं लेकिन वो सब अच्छी हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग तथा कथित देशद्रोही लोग, तथा कथित राष्ट्रद्रोही लोग ऐसा चाहते हैं कि हम अगुआ बने, हमारा नेतृत्व समाज स्वीकार करे और हम बहुत बड़े आदमी कहलाएं, उस स्थिति में कि हम किसी को नीचा दिखाएं। इसलिए मैंने टोंक के बारे में जो अखबारों में पढ़ा है तो आया तो मैं आज हूँ, लेकिन मैं संपर्क में हूँ जानकार के हिसाब से कि यहाँ अहम की लड़ाई है। जातिगत लड़ाई मैंने इस देश में देखी नहीं। जाति कभी आपस में लड़ती नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उभरता है कि मैं इसके माध्यम से राष्ट्र का नेता बनूंगा, मुझे लोग स्वीकार करेंगे और आगे आऊंगा, इसलिए संघर्ष होते हैं। चाहे कैसे भी मैं अलग बोल रहा हूँ, मेरे हृदय की बात कह रहा हूँ कि देश के जितने भी लोग हैं जिनको हम राजनेता कहें, जिनको हम अधिकारी कहें या जिनको हम बड़े आदमी कहें, उन सबको अपना अहम है। जबकि दुनिया में मानव एक है, विश्व बंधुत्व की भावना विनोबा जी ने दी, गांधी जी ने दी और सब हम एक हैं, तो फिर ये जातीय संघर्ष क्यों? लेकिन इसके पीछे कारण मुझे अहम नजर आ रहा है, इसलिए अहम की संतुष्टि करना बड़ा कठिन है। नहीं नहीं, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न उभरता है कि अपने यहाँ दो टर्म हैं, संप्रदाय और सांप्रदायिकता, कैसे देखते हैं आप इन दोनों? मैं जब विनोबा के दर्शन को तेरा पंथ के समाज के एक अनुभव प्रवक्ता संत आचार्य तुलसी हुए जी, उनको और मेरे अध्ययन के संत साहित्य के 1200 संतों को जब मैंने पढ़ा, वनस्थली विद्यापीठ का मैं विद्यार्थी हूँ और पढ़ा, तो मुझे लगा कि कोई जातिगत, संप्रदायगत और सांप्रदायिकगत कोई विभाजन है ही नहीं। क्योंकि संतों के लिए कहा है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके नैन, तपत उजावत और की दे दे अपना सेन। यदि हम लोग संतवत जीवन जी रहे हैं, क्या कबीरदास जी ने साधु बन वेश धारण किया? नहीं, एक अच्छा गृहस्थी बहुत अच्छा राष्ट्र का ही नहीं विश्व का संत है। तो हम लोग हमारे असलियत को जानने का श्रम नहीं कर रहे हैं। हम यदि ये जान लें कि यह व्यक्ति जो इसकी अगुवाई कर रहा है वो कौन है, क्या चाहता है और किस लिए जाता है, इसलिए उसको समझाइश करनी चाहिए, चाहे वो सामूहिक रूप से प्रयत्न करें चाहे व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न करें। लेकिन आज जो शांति सेना जिसको विनोबा जी ने बनाई, गांधी जी ने बनाई, ऐसी शांति सेना की जरूरत ऐसे सांप्रदायिक तथाकथित दंगों में आवश्यकता है, आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता। हाँ, यही मैं कहना चाहता था, क्योंकि जितने भी संप्रदाय हैं आज उन सब में ये बात बहुत अहम रूप से उठ रही है, उनकी अपनी मांग हो गई है
कि उन्हें अपने संप्रदाय को बचाना है। ये उनकी पहली उनकी एक सोच बन गई। अब इस संप्रदाय से ही कहीं अनजाने में जुड़ जाती है सांप्रदायिक। आपने अभी कहा अहम का मामला, वो अहम ऐसे टकराने लगते हैं, फिर वर्चस्व की बात आती है, फिर आप उसे राजनीति कहें, कूटनीति कहें, दूसरी बात कहें, टर्म कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जिसे कहना चाहिए अपने वर्ग संघर्ष की कहानी शुरू हो जाए। वर्ग तो संप्रदाय वहां भी बटा हुआ है, संप्रदाय भी बटे हुए हैं और सबको अपने अस्तित्व की चिंता भी है, सबका कोलाइजन तो हो ही नहीं सकता ना। मैं इस संबंध में जी एक निवेदन करूं जी, जी, जी। कि ये संप्रदाय बटे हुए हैं यह बात आप शाश्वत सत्य कह रहे हैं जी, लेकिन इसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? संत विनोबा ने जी और महात्मा गांधी ने संप्रदाय की बात कहीं नहीं कही है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मानव को तैयार करना चाहते हैं जिसमें निर्भयता हो, निर्वीरता हो, निष्पक्षता हो, जिसमें सत्य हो और अहिंसा हो। इन दोनों महान आदर्श व्यक्तित्व को हम याद करें तो सत्य, अहिंसा, निर्भय, निर्वीर और निष्पक्ष जीवन जीने की कला मनुष्य में आनी चाहिए। लेकिन श्रीमाली जी, आपने जो कुछ कहा है ये सब आदर्श वाक्य तो हैं, हम ये चाहते हैं सब हिताय है। आपका सर्व जन सुखाय, आपका प्रश्न आइडियोलॉजी है, आदर्श है, इसका व्यवहारिक पक्ष तो इतना सुंदर नहीं दिखता। मैं आपको निवेदन करूं जी कि ये शब्द आदर्श के लिए अच्छी अभिव्यक्ति है। हाँ? कि हम शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं ठीक, लेकिन हकीकत ये नहीं है, नहीं है और नहीं है। हाँ? आज भी इस देश में सत्यवादी लोग हैं। नहीं बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, आज सत्यवादी लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, निर्भय हैं, निर्वेह हैं और निष्पक्ष हैं। उसके लिए छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आज निर्भय, निर्वेह और निष्पक्षता कब आएगी? जब व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा। नहीं, कारण है आपकी बात में वजन है, लेकिन वो कारण ये है कि स्वार्थी हम हैं तो हम किस भगवान से डरेंगे, इंसान से डरेंगे? कोई देख तो नहीं रहा, एक शब्द सुना होगा आपने, कोई देख तो नहीं रहा, हम चोरी करेंगे और ध्यान उनको जाएगा, कोई देख तो नहीं रहा। तो जब हम चोरी नहीं करें तो ऐसे व्यक्ति इस देश में हैं। आज मैं निवेदन करूं कि इस देश में 90% से ऊपर लोग अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं, नम्र हैं, लेकिन 10% लोगों ने अपने आतंक से हम 90% लोगों को या आप जैसे विद्वानों को दबा रखा है। हम उनको मनते तो आज होते हैं, वो समझ जाता है कि मेरा आम है, कोई कहता है मैं बलिष्ठ हूँ, कोई कहता है मैं ज्ञानी हूँ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मान मद लोग संग्रहण ये मानवीय प्रवृत्ति है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। इससे देवता भी नहीं बचे, नहीं बचे, उनमें भी संघर्ष दिखाए गए, हमें यही दिखाया गया है। ठीक है, बोल। तो आप मानवीय प्रवृत्तियों पर कैसे रोक लगा सकते? इसके लिए किसी देश में आप किसी एक जगह सेक्टर चुन लीजिए, उसमें हजार गुना भौतिक सारी सुविधाएं भी दे दीजिए जो वो चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं उस क्षेत्र में क्राइम नहीं होगा? नहीं, तृप्ति नहीं है इसके लिए। ये मानव नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मानवीय प्रवृत्ति नहीं है। क्या है जो आप फरमा रहे देवता वाली बात, मैं अपने ढंग से उसी को कह रहा हूँ कि दरिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख नृप को भारी, नृप कहे सुख चक्रवर्ती को, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र भी दुखी हो रहा है, इंद्र कहे सुख चतुरानंद को, और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। तो इस लालसा में जो दौड़ रहे हैं वो तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे और रहेंगे। तो हम लोग तृप्त नहीं है, हम लोग लालसा में दौड़ रहे हैं। जैसा आपने कहा था कि भौतिकवाद भारत में ज्यादा है, तो हम लोग अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त तीन गुणों में से ड्रेस, ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, वो तीन देके गए थे। हम 33% से पास आने वाले भारतीय ड्रेस पर तो ध्यान नहीं दिया और ड्यूटी और डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं दिया। जिस दिन हमारा ध्यान ड्यूटी और डिसिप्लिन पे चला जाएगा, जो एक सद्वर्ती है, तो हमारा देश संपन्न हो जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से, विरोध कम होगा
और झगड़े कम होंगे। नहीं, अब प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ तो धर्म भी नहीं रहा और मजहब तो बहुत अलग की बात है, इस पे अभी धर्मांध हो गए जो देश को चला रहे, ऐसा जो भीड़ को हांक रहे हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि जिस देश के हम नागरिक हैं, हिंदुस्तान में धर्म को महत्व दिया था, जाति को नहीं, संप्रदाय को नहीं, किसी को नहीं, धर्म जो 10 गुण बताए हैं, धैर्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, इन गुणों पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए माननीय सक्सेना साहब, आपकी बात में वजन है, मैं एक कार्यकर्ता इसके लिए प्रयासरत हूँ विगत 25 वर्षों से कि मैं कैसे समाज की संरचना में अपना योगदान दे सकूं। हालांकि मैं अपना जीवन परिचय नहीं बता पाया, लेकिन देखिए लोगों को ऐसी स्थिति में आप यदि प्रयत्न करो तो हजारों लोग तैयार होते हैं। आज मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा प्रशिक्षित अहिंसक शैली से जीवन जीने वाले लोग हजारों की संख्या में है। लोगों ने तलवारें अंदर रख दी, बंदूकों का लाइसेंस सरकार को भेंट कर दिया। ये परिवर्तन हृदय परिवर्तन है जिसके लिए गांधी और विनोबा ने जीवन दिया, अजय तुलसी ने जीवन दिया कि हम लोग हृदय परिवर्तन करें। तो हम लोगों को यदि सुखी समाज की रचना करनी है तो आज से ही शुरू करें, जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। देश बहुत बड़ा है, समय खूब जीना है लोगों को। तो हम लोग ऐसे प्रयास करें माननीय सक्सेना साहब कि जिसकी एक इकाई शुरू हो कहीं से भी, कि हम लोग अहिंसक रहेंगे। अहिंसा का मतलब है, एक वाक्य याद रख लें कि मैं ऐसा कोई कार्य और व्यवहार नहीं करूंगी या करूंगा जिसके द्वारा दूसरों की आत्मा को कष्ट हो। यदि इतना सा हम रख कर लें तभी हमारी सारी समस्याएं खत्म है। और दूसरा क्या है, हम लोग समझ ले रहे हैं, दूसरा क्या है कि हम लोग सामने वाले को समझते ही नहीं, हम जो कह रहे हैं उस पर ही ध्यान देते हैं। सही है। आज सारे देश का जो संघर्ष है जी, वो ही और बी का है जी। मैं ही कह रहा हूँ वो सत्य है, यहाँ बोले तो अहम हो गया, और आप कह रहे हैं वह भी सत्य हो सकता है तो समझौता हो गया। तो हम लोग ही और बी के ज्ञान को समझावे। अभी एक उदाहरण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मेरे पास एक बहन बैठी है, आप वहां जाते जाते देखेंगे श्री मारी जी शमशान में जाने की और तैयारी कर रहे हैं और महिला के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो सत्य नहीं है? सत्य है, उसने देखा जैसा कह रहा, लेकिन नजदीक आया और उसने पूछा श्री मारी साहब आनंद है? हाँ, आज मेरी बेटी नागपुर से आई है और मैं इसके साथ आनंद ले रहा हूँ और गले लगा लिया, यहाँ उसका वो सत्य यहाँ बदल जाएगा। इसलिए हम किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं? सत्य है क्या? सत्य को समझना चाहिए कि पास में आकर के पूछो कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये धीरज हमारे में आना चाहिए, ये ज्ञान हमारे में आना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। आपका आंदोलन सफलता के लिए है, मानव जाति के हित के लिए है, क्योंकि पत्रकारिता ने ही देश को आजादी दिलाई, पत्रकारिता ने ही हम लोग को आवाज रखा है। आज भी हमारा उत्साह पत्रकारिता से है, इसलिए इस क्षेत्र में भी यदि आप कुछ प्रयास करेंगे अच्छा, तो आपके साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे। नहीं, साथ चलेंगे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।